क्या हो गया लला? पता नहीं हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, समझ नहीं आ रहा। ओए होए साडा इंडियन फ्लैग। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे। गुड मॉर्निंग है तो सारे आनु मेरे वालों बड़े वाली ससरी का। तो जी ऐसा है, आज है 15 अगस्त। आई डोंट नो ये वाली वीडियो कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन आज 15 अगस्त के स्पेशल डे पर एक राइड ऑर्गेनाइज करी गई है। तो उसमें सभी के सभी बेनली के साथ होंगे। किसके साथ? बेनली के साथ। तो यार एज यूजुअल लेट लतीफ हूँ मैं हमेशा की तरह। आज भी पहुंचना था 7 बजे, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं निकल चुका था ऑलरेडी, लेकिन राइडिंग जैकेट जो है ना सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। वो घर पे ही रह गया था। तो ऑलमोस्ट मैं 5 या 6 किलोमीटर आ चुका था, फिर वापस गया हूँ घर पे। घर से जाके राइडिंग जैकेट लेके आया हूँ। राइड करते हुए ना मेरे को बड़ा हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा यार हेल रह गई जैकेट घर पे। मैंने कहा भाई बिना राइडिंग जैकेट के तो नहीं जाऊंगा मैं, वो तो सबसे जरूरी है। यार ये आंदोलन ने तो भाई साहब ले लिया, अब तो अत हो गई है। गाइस वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो हम बेनली के शोरूम पर असेंबली पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, अंदर लगानी पड़ेगी। ये देखो यार कैसे कैसे लोग हैं सच में। ओए होए साडा इंडियन फ्लैग। लड़के फिर से उड़ के दिखा। आगे देख रहे हो कैसे टिमटिम आ रही है लाइटें। कितने सारे माइकर्स हैं। ओ माय गॉड आज लगता है वहाँ पे भाई साहब भसड़ मचने वाली है, बहुत ही गंदे वाली भीड़ हो गई वहाँ पे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से जल्दी निकलना चाहिए है ना। अब क्या बाइक पे तू चल के जाएगा? क्या हो गया लला? पता नहीं हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, समझ नहीं आ रहा। राजेश राजेश परेड हो रहा है। अबे आज कौन सी परेड होती है? कालंदी कौन से? तो यार ये पुलिस वालों ने क्या गड़बड़ कर दी भगवान। हमें जाने नहीं दिया क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो है वो ज्यादा है ग्रुप में, सो दैट्स व्हाई मे बी दैट रीजन दे स्टॉप्ड अस। और उन्होंने आगे जाने नहीं दिया हमें, उन्होंने कहा कि यहाँ से अलाउड नहीं है, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो भाई पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं था, अब दूसरा रास्ता लिया है, देखो लेट्स सी
मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, कालंदी कुंज वाला रास्ता याद आ गया, याद आ गया। देखते हैं क्रॉस करने देते हैं या करने नहीं देते, जाने दो रे बवा। दिल्ली से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से तो आराम से निकल जाएंगे। रे लला क्या कर रहे हो लला, ऐसे नहीं चलाते। जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पता नहीं यार हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे अपने मुकाम पे। इन लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते खाना डिलीवर करने। थैंक यू स्विगी, थैंक यू स्विगी। भाई कोई भी कहीं पे भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। पता ही नहीं है कौन कहाँ है। जो लीड कर रहा था कहाँ है? वो पीछे है। अरे सारे लोग आ गए। जो लीड कर रहा था वो कहाँ है? सर साइड पे प्लीज। आगे कर लो सर, आगे कर लो। भाई भाई साइड पे, साइड पे इधर। आगे साइड पे। इसीलिए बोला था कि स्लो चलना, स्लो चलना। जो लीड कर रहा था कहाँ है? जो लीड कर रहा था कहाँ है वो? ऐसे थोड़ी है पीछे राइडर्स को छोड़ते हैं, उसका पता ही नहीं है कहाँ है वो। हाँ कोई भी नहीं है पीछे, मैं था पीछे। अरावली वाले में है जी? हाँ अरावली, अरावली। चलो ये आ गया। नहीं ये लास्ट में था, टेल पे था ये। तुम करोगे लीड? लीड कौन कर रहा था? पता नहीं कौन कर रहा था भाई, वो है ही नहीं, गायब है, पता नहीं कहाँ है वो। वो निकल गए हैं यार, ऐसे थोड़ी ना निकलते हैं यार। भाई आप लीड करो, आप लीड करो, आप टेल पे ही रहना। हाँ ठीक है, मैं बीच में ना मार्शलिंग करूँगा, ठीक है। ऐसे राइड का यार मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बीच में से ओवरटेक करके मत जाना, ओवरटेक मत करना बीच में से, कोई सा भी, कोई सा भी बीच में से ओवरटेक मत करना, ठीक है। ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ओवरटेक मत करना कोई सा भी, ठीक है। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो सड़क पे अग तुरी जांदी है। थार जा रही है, थार, मेरी थार। भाई कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी। भाई सच में BAC में बहुत ही बहुत ही बहुत ही डिसिप्लिन है। यहाँ कोई किसी का के बस ही नहीं चल रहा। मैं भी मार्शलिंग कर करके थक गया, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा अब कहीं पे भी। दो ग्रुप्स में बट गए हैं, आधे पीछे हैं आधे आगे हैं। कोई भी कहीं पे भी चल रहा है। पता नहीं क्यों। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी कहीं पे भी। अरे बवा ऐसे राइड नहीं होती है रे बवा, ऐसे मजा नहीं आएगा रे बवा, जब तक लाइन में नहीं चलोगे ना तुम बवा, मजा नहीं आएगा बवा। ओ फिर आ गई तू थार, कलर बड़ा प्यारा है यार ये, दिल्ली के पहाड़। अरे भाई ये क्या भाई, अच्छी जगह है यार ये तो। वीडियोस में एक दो बारी देखा था बट सोचा नहीं था इतनी अच्छी निकलेगी। तो यही वाला थ्रॉटल है। ओके हाँ जी, तो सारे एक बारी फिर तो सत श्री अकाल। तो जी ऐसा है कि अभी हम थ्रॉटल शॉटल पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और बेनली सारी लाइनअप हो चुकी है, अंदर ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। ये खड़ी अपनी TRK और बहुत सारी TRK और अपनी प्यारी सी थार। तो अभी यहाँ पर एक परफॉर्मेंस होने वाली है छोटी सी, तो देखते हैं कैसी रहती है वो परफॉर्मेंस। और बाकी Thank you.
दोस्तों आप मेरे पीछे का व्यू तो देख ही रहे होगे। जो हमारी राइड थी वो ब्रेकफास्ट राइड थी, 15 अगस्त की स्पेशल राइड थी ये। मुझे नहीं पता ये कब रिलीज़ हो रही है वीडियो, क्योंकि बिजी रहने वाला बंदा हूँ मैं, सॉरी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ जोक्स अपार्ट। तो दोस्तों मैं ऐसा है कि व्लॉग को जो है मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ आज। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वाली राइड करके बेनेली के साथ। बेनेली की एक नई बाइक आने वाली है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, 502C। उसके बारे में भी हम रिव्यूज़ लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए सारे अनु मेरे वालों वड्डी वाली सत श्री अकाल।